अरे फ्रैंकलिन भैया जल्दी चलो ना यार, वरना हम लोग नहीं देख पाएंगे। अरे हाँ सिंचन, ये ले बस पहुँच ही गए। और यार सिंचन तुझे पता है क्या, आयरन मैन ने एक ऐसा इन्वेंशन करके गन बनाया है जिसकी मदद से हम लोग अपनी बॉडी को स्वैप कर सकते हैं, मतलब अपनी बॉडी को दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। यार आज तो मजा आ जाएगा, आज मैं अपनी बॉडी को ट्रांसफर कर दूंगा हल्क की बॉडी में, चल फटाफट जाकर देखते हैं। लेकिन यार यहाँ पर ये लोग ने अपना चेहरा मायूस सा क्यों बनाया है, यहाँ पर वेनम भी रो रहा है और टोनी स्टार्क का भी चेहरा बना हुआ है और पिंचन भी। अरे गाइस यार ये तो बताओ हुआ क्या है यहाँ पर। अरे डस लूंगा, अरे कलुए चोरी हो गई, चोरी जो टोनी स्टार्क ने गन बनाई थी ना उसे पेनीवाइज का बच्चा चुरा ले गया। क्या बात कर रहा है वेनम, ऐसा सच में हुआ है क्या? अरे टोनी तू तो बता आखिर क्या हुआ। फ्रैंकलिन ब्रो यार वेनम बिल्कुल सही बोल रहा है, जो मैंने गन का इन्वेंशन किया था उसे पेनीवाइज का बच्चा कल चोरी करके लेके गया। मैंने खुद सीसीटीवी में देखा था, वो रात को आया था और अपने साथ बहुत सारे गुंडे लेकर आया था और वो मेरी गन को चोरी करके लेके गया। और मुझे पता चला है कि वो उस गन को ले जाके डगन बॉस को बेचने वाला है और वो लोग फिर उस गन को दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर देंगे और उस गन का बहुत ही ज्यादा गलत यूज होने वाला है, हमें उसे किसी भी हाल में रोकना ही होगा। अरे टोनी ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन यार मुझे तो वो गन चाहिए भी थी क्योंकि मुझे अपने आप को हल्क में स्वैप करना था, लेकिन अब तो वो गन रही नहीं। लेकिन मैं उस गन को है ना बाहर देश जाने से जरूर रोकूंगा, जा रहा हूँ, भले इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े मैं अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन वो गन वापस लेकर ही आऊंगा और उस पेनीवाइज के बच्चे को तो छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, उस पेनीवाइज के बच्चे को तो छोड़ना मत, उसे बहुत मारना, बस दिन भर यही करता रहता है और चोरी करता रहता है। अब किसी भी हाल में है ना वो वाला गन लेके आना। गाइजर जब तक फ्रैंकलिन भैया गन लेने जाते हैं आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अरे गाइजर मुझे पता चला है कि यहाँ पर कोई खबरी रहता है इस गरीब वाले इलाके में और वही मुझे बता सकता है कि पेनीवाइज कहाँ रहता है, लेकिन यहाँ पर तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है जो मुझे खबरी जैसा लगे। अरे एक मिनट, यहाँ पर कोई ये दीवार पर टेका लेकर खड़ा हुआ है, ये मुझे खबरी लग रहा है, एक मिनट इससे पास में जाकर बात करता हूँ। अरे भाई साहब यार आप ही वो खबरी हो क्या जो मुझे पेनीवाइज का पता बता सकते हो? अबे कलुए थोड़ा धीरे बोलना। हाँ मैं ही वो खबरी हूँ, बोल क्या हुआ। अरे खबरी भाई साहब यार मुझे ये बता दो कि ये पेनीवाइज का बच्चा कहाँ मिलेगा, मैं उसको कब से ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो पता नहीं कौन से बिल में छुपा हुआ है। अरे कलुए पता तो मैं बता दूंगा, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा, मुझे भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। अच्छा ऐसी बात है क्या? गाइस यार मुझे लगता है कि ये पैसा मांग रहा है। अच्छा ठीक है खबरी वाले भाई साहब, ये लो मैं तुम्हें $1,00,000 देता हूँ, ये सारे के सारे पैसे रख लो और मुझे फटाफट बताओ कि मुझे पेनीवाइज का बच्चा कहाँ मिलेगा। ये हुई ना बात कलुए, ये तूने बहुत अच्छा काम किया इतना सारा पैसा देके, अब मैं तुझे बताता हूँ कि वो पेनीवाइज का बच्चा कहाँ मिलेगा। यहाँ से सीधा राइट जा, नीचे की तरफ गटर जाती है, उसी गटर में एक गुफा है, वहीं पर वो तुझे पेनीवाइज का बच्चा मिलेगा। अच्छा खबरी ऐसी बात है क्या? और गाइस यार यहाँ पर मुझे खबरी ने बताया कि वो पेनीवाइज यहीं कहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, एक बड़ी सी गटर है बस। अरे चलो मैं यहाँ पर नीचे तो कूद गया, अब यहाँ पर ढूंढता वो पेनीवाइज का बच्चा कहाँ मिलेगा। यहाँ पर तो कुछ गरीब लोग यार पानी वानी पी रहे, अच्छा ये गरीबों की बस्ती है, लेकिन यार वो पेनीवाइज तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, लगता है कि मुझे कहीं और ढूंढना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा है। और गाइस यार ये क्या दिख रहा हूँ, यहाँ पर तो एक छोटी सी कुछ गुफा जैसी है, लेकिन इसके अंदर मैं ऐसा डायरेक्ट तो नहीं जा सकता, लोगों को आवाज पता चल जाएगी। और गाइस यार ये क्या दिख रहा हूँ, अंदर मुझे कुछ लोग नजर आ रहे हैं और कुछ तो यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर लगता है बाहर बॉडीगार्ड वगैरह भी खड़े जिनके हाथ में गन है, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ तो झोल हो रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे तो लगता है कि ये वही गुफा है जो आपको खबरी ने बताई थी और पेनीवाइज यहीं कहीं पर मिलेगा, वो देखो अंदर कुछ मीटिंग जैसा भी चल रहा है। हाँ पे शिंचन यार मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। और गाइस यार मैं यहाँ से अंदर की तरफ देख पा रहा हूँ और यहाँ पर ये पेनीवाइज का बच्चा तो कुछ डगन बॉस के साथ मीटिंग ही कर रहा है और वो रहा वहां पर नीचे बॉक्स रखा है और मुझे लगता है कि वो गन उसी बॉक्स में होगी, लेकिन यार मैं उस गन तक पहुंचूंगा कैसे, यहाँ पर तो इसके बहुत सारे बॉडीगार्ड है, मैं सामने की तरफ से नहीं जा सकता, मुझे पूरा घूमकर जाना होगा और कोई और रास्ता ढूंढना होगा ताकि मैं इस गुफा के अंदर घुस सकूं। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे तो लगता है ना कि ये गुफे का रास्ता जरूर आगे होगा, जरा आगे जाकर चेक करो, आपको पक्का कोई ना कोई जरूर रास्ता मिल जाएगा। हाँ शिनचैन मुझे वो रास्ता तो मिल गया वहां तक जाने का, लेकिन उसके लिए मुझे ये रेड वाली कार चोरी करनी पड़ेगी। और गाइस यार यहाँ पर मैंने रेड वाली कार तो चोरी कर ली है, अब इसमें कार के सहारे इस गुफा में जाऊंगा। और यहाँ पर मैं जैसे ही अंदर आ रहा हूँ ये क्या देख रहा हूँ गाइस, यहाँ पर तो वो देखो पेनीवाइज का बच्चा डगन बॉस कुछ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ज्यादा
देर तक नहीं रुक सकता, अगर रुका तो ये लोग मुझे मार देंगे। अब गाइस यार मुझे फाइट लेनी पड़ेगी और फाइट जीत कर ही मैं वो गन को वापस ला पाऊंगा। लेकिन यार यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली फाइट हो सकती है, तो उसके लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा। फटाफट एक काम करता हूँ, फटाफट वेस्ट पहन लेता हूँ, गन्स ले लेता हूँ, ग्रेनेड ले लेता हूँ और अपना हुलिया भी बदल देता हूँ। और बूम गाइस यार ये देखो मैंने अपना हुलिया बदल दिया, मास्क वास भी पहन लिया है, अब लग रहा हूँ ना एकदम खुफिया वाला एजेंट और मेरे हाथ में एक तगड़ी वाली गन है, अब तो इनकी खैर नहीं। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, इन गुंडों को तो छोड़ना मत और खास करके उस पेनीवाइज को, और आप तो बस पहुंचने वाले हो, लेकिन यार जरा संभल के जाना, वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं और उनके हाथ में तो गन्स वगैरह भी थी। हाँ सिंचन मुझे बहुत ही ज्यादा संभल के फाइट लेनी होगी, पहले यहाँ से मैं गन से स्कोप खोलकर देख लेता हूँ। और यार ये लोग तो मेरी तरफ ही आ गए, इनको किसने बता दिया, लेकिन यार मुझे बहुत ही ज्यादा संभल के इनसे फाइट लेनी होगी। एक काम करता हूँ, इनके ऊपर कार चढ़ा देता हूँ और यहाँ पर मैंने दो तीन लोगों को तो कार से कुचल दिया और ये लोग बुद्धू की तरफ मेरी कार पे मार रहे और मुझे कुछ नहीं। और यहाँ पर मैंने और भी लोगों को कार से कुचल दिया, अब बस थोड़ा गाड़ी को यहाँ पर आगे ले जाकर पार्क कर देता हूँ। अब सही है, अब यहाँ पर लोगों को छोड़ूंगा नहीं, सबको एक एक करके मारूंगा। यहाँ पर मैंने दो तीन ग्रेनेड डाल दिए, अब ये लोग ग्रेनेड से क्या ही उड़ रहे हैं। और फटाफट से गन निकालता हूँ, इन सबके छक्के छुड़ाता हूँ, आज तो किसी को भी छोड़ूंगा नहीं, सबकी चटनी बना दूंगा मार मार के। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, किसी को मत छोड़ना, और यार आप तो क्या ही मस्त गन चला रहे हो, एकदम प्रोफेशनल सोल्डर की तरह। सोल्डर लोग पता है ना आपको कैसे आर्मी में लड़ते हैं, बिल्कुल उसी की तरह। अबे सिंचन यार उसे सोल्जर बोलते हैं, शोल्डर तो यार वो जो हेड एंड शोल्डर का शैम्पू आता है उसे बोलते हैं, कुछ भी बोलता रहता है। और ये सब छोड़, यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही लोग यार मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं और यहाँ पर दो तीन लोग इस गुफा में छुपे हुए। एक काम करता हूँ, यहाँ पर जाकर ग्रेनेड फेंक देता हूँ। और यहाँ पर मैंने ग्रेनेड फेंका और यहाँ पर वो बंदा भी मर गया और सारे लोग मुझे लग रहा मर चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। गाइस यहाँ पर मैंने क्या ही तबाही मचाई थी, अब बस डगन बॉस बचा है और यहाँ पर मैंने डगन बॉस को भी मार दिया। चलो फटाफट जाकर वो वाली गन ले लेते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन वो पेनीवाइज का बच्चा किधर गया, वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ बे सिंचन यार लगता है पेनीवाइज भाग गया होगा, उसको छोड़। और गाइस यार यहाँ पर मैंने गन ले ली है और शायद दो तीन बंदे बाकी रह गए थे इससे पहले कि वो लोग मुझे मारे। फटाफट से ये गाड़ी लेकर यहाँ से निकलना होगा और गाइस यार यहाँ से तो मैं निकल चुका हूँ, चलो फटाफट जाते हैं एवेंजर्स वालों के घर पे। ओके सो गाइस यार फाइनली यहाँ पर मैं एवेंजर्स वालों के घर पे आ चुका हूँ और बहुत ही ज्यादा मेहनत और बहुत ही ज्यादा गोली खाने के बाद ये मुझे गन मिली है। और यार टोनी ये देख मैं तेरी गन लेकर आया। अरे वाह फ्रैंकलिन ब्रो यार तुमने कितना बढ़िया काम किया, तुम्हें पता भी नहीं है, अगर ये गन किसी गलत आदमी के हाथ में पड़ जाती तो हमारा तो देश का कल्याण ही हो जाता। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। अरे थैंक यू यार आयरन मैन, अब मेरी इतनी भी तारीफ मत कर। और यार हल चल आजा साइड में, मुझे अब ये गन का टेस्ट भी करना है कि आखिर ये गन सही में काम करती है कि नहीं। और गाइस यार मुझे देखना है कि मैं हल्क में कन्वर्ट हो सकता हूँ कि नहीं। और यहाँ पर हल्क खड़ा हो गया है और ये चलाई मैंने गोली और गाइस यार ये क्या दिख रहा है, मैं तो हल्क में स्वैप हो गया। और भाई साहब यार मेरा शरीर तो देखो कितना ज्यादा बड़ा हो गया है और बाप रे बाप ये हल्क को तो देखो, ये फ्रैंकलिन बन चुका है अब, और जो मैं फ्रैंकलिन तो हल्क बन चुका हूँ और अब तो मैं बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। हल्क को अपना शरीर वापस दे दे कलवे, हल्क को इस गंदे शरीर में नहीं रहना, हल्क सबसे ज्यादा शक्तिशाली, हल्क सबसे ज्यादा ताकतवर। अरे फ्रैंकलिन भैया यार ये टोनी स्टार्क भैया का तो गैजेट काम कर रहा है, अब मुझे इस हल्क की शक्तियाँ तो यूज करके दिखाओ कि इसके अंदर शक्तियाँ है भी कि नहीं। हाँ बे सिंचन यार रुक अभी हल्क की पावर चेक कर लेता हूँ। और यहाँ पर मेरे अंदर पावर्स आ चुकी है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो सुपर पावर्स आ चुके हैं। और यहाँ पर मैं गाड़ियों को कितनी आसान तरीके से मार पा रहा हूँ, उठाकर फेंक पा रहा हूँ। और भाई साहब यार इतनी भारी भरकम गाड़ी को मैंने एकदम आसान तरीके से उठा लिया, आज तो पूरे शहर में तहलका मचा दूंगा। और गाइस यार ये सारे पावर्स मैं आपको एकदम प्रॉपर यूज करके दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या कर पाता हूँ। और यार मैंने क्या ही छलांग मारी, भाई साहब यार ये हल्क तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और गाइस यार ये तो देखो यार मैंने एक हाथ से इतनी भारी गाड़ी को उठाकर फेंक दिया, बाप रे बाप यार इस हल्क के अंदर तो कितनी ज्यादा शक्तियां हैं। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया यार आपने बिल्कुल सही बोला, इस हल्क के अंदर तो यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक शक्तियां हैं, बाप रे बाप। आप तक जब तक ये शक्तियां दिखाते हो तब तक मैं अपने व्यूवर्स को शाउट आउट दे देता हूँ। तो गाइस यार आज का हमारा शाउट आउट जाता है अयमान करीम को जिन्होंने बहुत ही ज्यादा बढ़िया कमेंट किया, फिर सीमा रानी को और ड्रेजो गेमर को, इन तीनों ने बहुत ही ज्यादा बढ़िया कमेंट किया था और इनको शाउट आउट मिला। और गाइस यार अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जाके एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मैं फ्रैंकलिन भैया मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।